See, next problem, factorize 2a minus b whole square minus 16c square. अभी see, यहाँ पे भी हमें दो टर्म से a square minus b square के फॉर्म में, जिसमें 2a minus b square ये हमारी पहली टर्म है और 16c square हमारी दूसरी टर्म है, ओके? इसको मैं और डिटेल में लिख सकती हूँ. पहली टर्म 2a minus b whole square माइनस 16c स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 4c होल स्क्वायर, ओके? ये हमारी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर. तो इसको अगर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, तो हम लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में दोनों की एडिशन, ट्वाइस ए माइनस बी प्लस सी प्लस 4c इन वन ब्रैकेट एंड ट्वाइस ए माइनस बी माइनस 4c इन अनदर ब्रैकेट, ओके? सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल. ए रेस टू 4 माइनस 2b प्लस सी रेस टू 4. अभी यहाँ पे पावर आपको 4 के मीन्स ए और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के पावर आपको फोर्थ पावर दिए हुए हैं. मुझे फॉर्मूला अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करना है तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? आई कैन राइट इट इन दिस वे. ए रेस टू 4 मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये जो दूसरी टर्म है इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2b प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके? तो ये हो गया पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर. फॉर्मूला इस्तेमाल करो, पहले ब्रैकेट में दोनों की एडिशन, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गई आपकी पहली टर्म. दूसरी टर्म होगी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. पहली टर्म एडिशन की है जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं है. फर्स्ट टर्म यू विल राइट एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस सी होल स्क्वायर इन वन ब्रैकेट. यहाँ पे फिर से आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. पहले ब्रैकेट में आएंगी दोनों की एडिशन, ए प्लस ट्वाइस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट और ए माइनस ट्वाइस बी. अभी माइनस साइन अगर आप दोगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस सी इन अनदर ब्रैकेट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ वी विल कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नंबर 11. एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको दिया है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आपको डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. पहले ब्रैकेट में दोनों की एडिशन आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस. जब हम एडिशन करते हैं तो हमें साइन के बारे में सोचना नहीं होता, इसके लिए ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा. पहले ब्रैकेट में दोनों टर्म की एडिशन की हमने, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई. अभी यहाँ पे जब माइनस का साइन देंगे तो उसके आगे की टर्म में लिखती हूँ ब्रैकेट के अंदर. पहली टर्म एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी. अगर इसको ये सेकेंड ब्रैकेट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारी होगी एक्स प्लस वाई माइनस ए और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी. ब्रैकेट निकालने पे ब्रैकेट के अंदर के साइंस हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड. आई विल गिव यू टू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. 12. नाइन ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. इसको आप को ट्राई करके देखिए. और 13 64 माइनस ए प्लस वन होल स्क्वायर. ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जिसकी वजह से आपकी ये मेथड और ज़्यादा पक्की हो जाएगी.